हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और हम लोग मनाली फाइनली पहुंच चुके हैं और मैं मनाली के माल रोड पे हूं। दिखाता हूं आप लोगों को। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहां पे आए हुए हैं इतने समय भी। देखिए गाइस, लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा है यहां पे माल रोड पे। रात के 8 से 10 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। यहाँ पे हर तरीके की दुकान लगी हुई है। खाना चाहते हैं या जो कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते हो, सारी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। मैं अभी मॉल रोड पे टहल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़ारा है। देखिए गाइस, कितना ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बिजी रोड है। तो गाइस ये देखिए मनाली माल रोड का नाइट व्यू कैसा है यहाँ का। आप यहाँ पे आते हैं तो वार्म क्लोथ्स भी परचेज कर सकते हैं और बहुत सारे जूसेस हैं यहाँ पे और वाइन्स की शॉप भी हैं, रेड वाइन्स। यहाँ पे लोग स्ट्रीट में बैठ के अपने मनपसंद खाना भी खाना पसंद करते हैं। अभी तो मैंने माल रोड आधी घूम लिया है, आधी कल घूमता हूँ। तो देखिए गाइस, रात में 12 बज रहे हैं और हम लोग मनाली की माल रोड पे टहल रहे हैं। बिल्कुल यही नहीं लग रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं। इस तरह के करतब रात में 1 बजे भी देखने को मिल जाते हैं मनाली के माल रोड पे। तो देखिए यहाँ पे कैसा नज़ारा है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ से आया था। तो गाइस ये देखिए रात में मनाली,
लुधियाना साउथ इंडियन गुजराती पंजाबी रेस्टोरेंट में यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद चाय को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे सारी चाय गाय के दूध की है, मज़ा नहीं आ रही पीने में। मसाला चाय के नाम पे एकदम सादी चाय है, यहाँ पे चाय आपको अच्छी नहीं मिलेगी। जैसे ही हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले हैं बाहर, वैसे ही देखा ये बगल में जलेबियाँ बन रही थी, तो हम लोग खुद को रोक नहीं पाए, अब जलेबी लेते हैं यहाँ पे। भैया जलेबियाँ निकाल रहे हैं, ये देसी घी में जलेबियाँ, हाँ तेल में, रिफाइंड ऑयल में है। इस बार आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से कैसा लग रहा है माल रोड से। ये माल रोड पे स्थित सारी होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हैं आके। काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा रहता है और 24 आवर्स लगभग ये हमेशा यहाँ भीड़ भाड़ से भरा रहता है, खाली कभी नहीं रहता है, देखिए आप लोग। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है।